यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का फॉर्म आ गया है। आप लोग एक ही चीज़ पूछेंगे कि सर बीएड एंट्रेंस के लिए कोई बेस्ट बुक बता दीजिए, तो भाई पहले ही बता दे रहा कि पूजा पब्लिकेशन की बेस्ट बुक होने वाली है। ये यूपी बीएड की गाइड बुक है और मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कोई बुक होने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें ऑल इन वन है, सब कुछ आपको एक ही किताब में मिल जाएगा। गाइड बुक है और इसमें आपको पिछले वर्ष के पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएगा और अध्यायवार गत वर्षों के प्रश्न भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ये कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग, सभी वर्गों की बुक्स अवेलेबल हैं और आप इसको घर बैठे मंगवा सकते हो ऑनलाइन भी। मैंने सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अपने वर्ग का, अगर विज्ञान वर्ग के हो तो विज्ञान वर्ग के पे का लिंक दिया है नीचे, कला वर्ग के हैं तो कला वर्ग का दिया है, कॉमर्स वर्ग के लिए भी दिया गया है लिंक बाय करने का। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट में भी मिल जाएगा बट आपको जाने कहीं जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही परचेज कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जब ऑनलाइन अवेलेबल ना रहे तो वह मार्केट में पता करो मिल जाएगा। इसके साथ साथ पूजा पब्लिकेशन की बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रैक्टिस बुक और शॉर्ट पेपर भी आता है, ठीक है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करें और ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर लें, 3-4 दिन में आपके घर पर आ जाएगा बुक। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का दोस्तों जो फॉर्म है उसका पूरा डिटेल यहां पर आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है इस बार, योग्यता क्या रहने वाली है, यानी कि ग्रेजुएशन में कितने परसेंट वालों ही अप्लाई कर सकते हैं, 50% ही वाले अप्लाई करेंगे या 50% के नीचे वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आयु सीमा क्या रखी गई है दोस्तों, और यानी कि कितने साल वाले, 18 साल वाले ही बुलाए गए हैं या उससे नीचे वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा केस देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है बट उनका 18 नहीं कंप्लीट हो रहा है, 18 वर्ष के वो नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, तो डाउट में है कि हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके भी केस में ऐसा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके जैसा ये जो फॉर्म आया है ये 1 ईयर वाला है या पीजी के लिए, इसमें क्या 1 ईयर दिया जाएगा ऑप्शन, 1 साल का या 2 साल का ही मिलेगा इसमें भी पीजी वालों के लिए, इसके साथ क्या क्या लगेगा फॉर्म में ये भी आपको बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, फीस घट गई है। जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है वो है फीस इस बार घट गई है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना एंड शेयर कर देना। और दूसरी चीज दोस्तों, हमारे चैनल पर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बीएड एंट्रेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है हमारे चैनल। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे द्वारा एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स भी तैयार किया गया है जिसकी कीमत मात्र 175 रुपीज़ है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 175 रुपीज़ पे करके आप बीएड एंट्रेंस का कंप्लीट सिलेबस का क्रैश कोर्स और नोट्स परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट, हिंदी, जीके, रीजनिंग, स्ट्रीम सब्जेक्ट, सभी के टॉपिक वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त 10 साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विद डिटेल सोल्यूशन के साथ में मिल जाएगा आपको। आपको नोट्स बनाने की झंझट नहीं रहेगा, आपका समय बहुत बचेगा और आपको सही दिशा और सही गाइडलाइंस मिल जाएगा आपको जहां तैयारी करना है दोस्तों। तो आपको ये नोट जरूर परचेज करना चाहिए, सिर्फ 500 छात्रों के लिए रखा गया है मात्र 175 रुपीज़ में। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स को जरूर परचेज कर लीजिए। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे आपका बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी डिटेल आपको यहां पर सेंड की जाएगी। क्लास और बुक्स के अतिरिक्त अगर आप इस नोट्स को फॉलो करते हैं ना, बेनिफिट जरूर आपको मिलने वाला है। आपको अच्छा कॉलेज, अपने मनपसंद कॉलेज अगर लेना है तो इस क्रैश कोर्स को जरूर परचेज करें और अपनी पढ़ाई में 175 रुपया तो जरूर इन्वेस्ट करें। इस नंबर पर आज ही मैसेज करके इसको खरीद लीजिए। तो दोस्तों बीएड एंट्रेंस का सरकारी रिजल्ट पे फॉर्म आ चुका है दोस्तों। सरकारी रिजल्ट एक फेमस वेबसाइट है और इस पर बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पर पब्लिश की जाती है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जो नोटिफिकेशन है यूपी बीएड एंट्रेंस का वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर बताया गया है कि आपका फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा। 10 तारीख यानी 10 फरवरी से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो उसकी होगी वो 10 मार्च 2023 होगा और एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड है वो 20 से 25 अप्रैल एक्सपेक्टेड है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें फीस की दोस्तों, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगातार 3री बार घटाई गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी खबर है 1000 रुपये मात्र फीस कर दिया गया। देखिए 2021 में, 2021 तक जो बीएड एंट्रेंस का फॉर्म का फीस होता था वो होता था 1500 रुपए, जो बहुत ज्यादा होता था। बच्चे बहुत मुश्किल से ही फॉर्म फिलअप कर पाते थे क्योंकि 1500 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है दोस्तों फॉर्म के लिए। 100-100 रुपए का फॉर्म आता है, वो भरा जाता है बहुत सारे वैकेंसीज का, लेकिन ये 1500 रुपए का सबसे ज्यादा फॉर्म का ही फीस होता था। तो यहां पर दोस्तों ये बच्चों के साथ ज्यादा लूटा जा रहा था, ज्यादा पैसा लिया जा रहा था। इसके चक्कर में दोबारा 2022 में जब परीक्षा आयोजित हुआ, बीएड एंट्रेंस आयोजित हुआ, तो इसकी कीमत घटाकर दोस्तों 1200 रुपए कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, जब रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने आयोजित किया था, और इसके बाद ये 3री बार लगातार फिर से, इस बार जब बुंदेलखंड ने आयोजित कर रहा है यहां पर, तो इसकी लगातार फीस घटा दी गई, फिर से 200 रुपए कम कर दिया गया और ये इसकी फीस 1000 रुपए ही मात्र कर दी गई है। तो सबसे अच्छी खबर है कि इसकी फीस जो है वो घट गई है और जेन्युइन फीस लगभग अब हो गई 1000 रुपए, ठीक है। अब 1000 का ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों आराम से, सभी कैंडिडेट वालों के लिए। इसके बाद अगर SC ST की बात करें दोस्तों, तो SC ST वाले सिर्फ 500 रुपए में इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपए ही पे करने पड़ेगा, बाकी जनरल, OBC और EWS के लिए
1000 रुपये फॉर्म का फीस होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यूपी बीएड 2023 एज लिमिट की, तो एज लिमिट दोस्तों जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरा 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों और मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया या पेयरिंग में हूँ या 18 वर्ष नहीं पूरा हो रहा, तो क्या मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ? बिल्कुल फिलअप कर सकते हो भैया। मिनिमम एज जो है इसमें 15 साल मांगी गई है, 15 साल मिनिमम एज मांगी, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसे देखा गया है कि बच्चों का पढ़ाई जल्दी हो जाता है तो ग्रेजुएशन तक उनका 18 साल कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 15 साल, तो भाई अब तो जेन्युइन है ये ना, 15 साल तक तो आपका ग्रेजुएशन हर हाल में आपका हो ही जाएगा, तो आप 15 साल मिनिमम है अगर आपकी ये, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बट यहाँ पर 17-18 के ही करीब करीब होते हैं, आपका महीना 2 महीना ही नहीं होता है बचता है पूरा होने में 18 साल। खैर यहाँ पर देखिए आपका मिनिमम एज जो है वो 15 साल बता देगा, मतलब निश्चित हो गया अगर 18 पूरा नहीं है आपका तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम एक एज भी नहीं है, कोई बच्चे कोई कोई पूछता है कि 40 साल के हो गए 45 साल के, आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ कि ये 2 ईयर का ही होने वाला है, चाहे पीजी के हो, चाहे आप ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने पीजी कंप्लीट किया है, आपको 2 साल का ही इस फॉर्म में देखने को मिलेगा ड्यूरेशन जो है कोर्स का, ये 2 साल ही आपको मिलेगा, इसमें 1 साल नहीं होगा। 1 साल वाला फॉर्म के लिए खबर अलग से आ रही है, उसका वीडियो मैं जल्द बनाऊंगा दोस्तों पीजी वालों के लिए, तो हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि 1 ईयर बीएड का अलग से एंट्रेंस फॉर्म का अपडेट कुछ आ रहा है, उसको मैं बताऊंगा वीडियो बना के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, जो 1 ईयर बीएड का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली है हमारे चैनल पर, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि न्यूज़ मिस मत करो आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करें परसेंटेज एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों बैचलर या फिर मास्टर डिग्री विथ 50%, ठीक है, या तो आप बैचलर या तो आपने ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% से पास हो या फिर मास्टर डिग्री यानी एमए एमएससी में अगर आपने 50 डिग्री से अच्छा ज़्यादा अंक है तो आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पर एक डाउट ये क्लियर हो गया, यहाँ पर अथवा वाला लगा है, तो इसका मतलब ये साफ हो गया है कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरा ग्रेजुएशन है 49% है, ग्रेजुएशन मेरा 50% है लेकिन मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 50% से ज़्यादा है, तो क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन से भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हो, एलिजिबल हो आप लोग, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है कि आप अगर ग्रेजुएशन में आपका 50% नहीं कंप्लीट है और आपने पीजी भी कर रखा है और पीजी में आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स है, तो आप पीजी के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए, तो उनको 55% मार्क्स होना चाहिए उनके एकेडमिक में, ठीक है। अब अगर हम बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट का, दोस्तों तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है बेसिक वो है आपका रिसेंट स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बोथ हैंड इंडेक्स फिंगर, यानी आपको इंडेक्स फिंगर तर्जनी का उंगली का यहाँ पर आपको वो देना पड़ता है, कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है, इसके बाद आधार कार्ड, बेसिक डिटेल्स, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई है, दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जो लिंक है वो 10 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगा, शॉर्ट नोटिस भी यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार क्लासेस भी चलाई जा रही है, क्लासेस सुबह 11 बजे शाम 7 बजे चलती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीएड एंट्रेंस की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है, जो क्लासेस चलाई जा रही है बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है, क्लासेस का कोई पैसा नहीं है, क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और बस आपको हमारा एक कोर्स परचेज करना है जिसकी कोई नाम मात्र शुल्क है, कोई 1000-2000 का नहीं, मात्र 175 रुपीज़ में कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर अभी के अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करें और इस कोर्स को परचेज कर लें। और जो बच्चे बेस्ट बुक गाइड बुक खरीदना चाहते हैं, घर पर मंगवाना चाहते हैं, वो लोग इस बुक को खरीद सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस का गाइड बुक आ जाएगा, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार चेक कर ले। थैंक यू सो मच।